अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस जमात के मकबूल होने की ये अलामत है। बारिश हो तो वो बात मकबूल ही मकबूल है, हैं जी। सियासी जलसों में ऐसा होता है, कुछ लोग बिरयानी के पीछे आते हैं, कुछ लोग नाच गाने के पीछे आते हैं, और कुछ लोग बड़े कोई गलत काम करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोगों के आने की क्या वजह होगी? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं टेक्सला शहर में, जहां पर कल इंशाल्लाह बरोज़ हफ्ता एक मज़हबी जमात का पावर शो होने जा रहा है, जिसका इंतखाबी निशान क्रेन है। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं उस जमात के MPA के उम्मीदवार जनाब काजी हबीबुर रहमान साहब और MNA के उम्मीदवार जनाब काजी ताहिर महमूद साहब। इनसे मैं बात करता हूँ। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बताइएगा कि सात भाई हमारे इलाके में तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी नुमाइंदगी करते हुए आप तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। केवल कायदे मोहतरम की टेक्सला में ये पहली दफ़ा आमद है, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम तर इंजामात हैं वो भी मुकम्मल हैं और कारकुनान बड़े पुरजोश हैं, क्योंकि वाकेंट में इससे पहले आप तशरीफ़ नहीं लेकर आए और टेक्सला में पहली दफ़ा आपकी आमद हो रही है, तो बड़े जो है ना जज्बात हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है तकरीबन कितनी गैदरिंग हो जाएगी इस जलसे में? गैदरिंग तो हम नहीं कह सकते कि कितनी होगी, क्योंकि हमें तादाद पर भरोसा नहीं है। हम तो इस तरफ जाते हैं कि जनाब अल्लाह और उसके रसूल के लिए जब निकलते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तादाद कम भी हो तो उसको बढ़ाकर दिखाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग दीनदार हैं, दीन के साथ जुड़े हुए हैं, दीन को तख्त पर लाने के लिए कोशाह हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम तादाद को भी इंशाल्लाह ज़्यादा तादाद में बना, कम अज़ कम 313 तो होगी ना। हाँ, कहने वाले ने तो ये भी कहा था कि जनाब 150 हैं, ठीक है जी, 150 बंदा है फैज़ाबाद के संगम पर, तो वहाँ वो 12,000 वो शिकस्त खुर्दा हुए थे और मकामी बदर में 305 थे, तो जनाब 1,000 को शिकस्त दे दी थी। अब तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि तहरीक लबैक जो है ना वो किस अंदाज़ में अपने कारकुनान को निकालती है और लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा। माशाल्लाह, देखें, हमने इस जमात का नाम लिया और अल्लाह पाक की रहमत बरसना शुरू हो गई, तो हम बस जल्दी जल्दी अपनी जो है बात करते हैं। सर, आप भी मुझे बताइएगा, सात भाई आ रहे हैं, आज बादलों को भी मज़ा आ गया, आपकी क्या जज्बात हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस जमात के मकबूल होने की ये अलामत है। बारिश हो तो वो बात मकबूल ही मकबूल है, हैं जी। तो इंशाल्लाह सात भाई तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे दिल खुश हैं, बड़े खुश हैं हम। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक भरपूर यहाँ पे प्रोग्राम होगा और हम एलियान टेक्सला को आपके ज़रिए से ये पैगाम देते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, बल्कि मुसलमानों का मुस्तकबिल ईमानों के साथ वाबस्ता है। हम लिबरल सेकुलर हो गए हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आए। मुझे बड़ा मज़ा है इस जमात के साथ इसलिए आता है कि ये जमात जो है ये अल्लाह और रसूल से डरती है और बाकी जो जमातें वो इसराइल से डरती हैं या अमेरिका से डरती हैं। मुझे अब आप ये भी बताइएगा कि जलसों में, सियासी जलसों में ऐसा होता है, कुछ लोग बिरयानी के पीछे आते हैं, कुछ लोग नाच गाने के पीछे आते हैं, और कुछ लोग बड़े कोई गलत काम करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोगों के आने की क्या वजह होगी? आपने देखा होगा कि 5 नवंबर को कायदे मोहतरम ने इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का जब ऐलान फरमाया तो लाखों की तादाद उमड़ कर वहाँ आई, तो वहाँ तो पीने के लिए पानी भी मुयसर बज़ाहिर नहीं था, लेकिन लोग जहाँ बिरयानी खाने के लिए नहीं आते जनाब, 1-5 लेने के लिए नहीं आते, या जनाब जन्नत का टिकट लेने के लिए भी नहीं आते, यहाँ तक कि जनाब वो MPA और MNA का टिकट लेने के लिए भी नहीं आते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ 25 नवंबर को भी रेलवे ग्राउंड टेक्सला में जो अज़ीम शान निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आप इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि हुज़ूर के ग़ुलाम किस अंदाज़ में आते हैं। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि सात भाई की आमद किस वक्त तक हो जाएगी, कोई एग्जैक्ट टाइम? ये तकरीबन इंशाल्लाह अज़ीज़ 1-1.5 बजे के करीब हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं सबको दावत देना चाहूँगा कि आप बहुत सी पार्टियों को आजमाते रहते हैं, लेकिन एक बार इस जलसे में आप आएँ ज़रूर, वोट TLB को आप दें या ना दें, लेकिन इस जलसे में एक बार आप ज़रूर आएँ, इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।